कहानी की शुरुआत एक प्लेइंग ग्राउंड से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि उस टीम का कोच प्लेयर्स की बेकार परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें वहां से भगा देता है, और वह कोच जिसका नाम विलिस है वह वहां से जाने लगता है। तभी उसे जमीन पर पड़ी हुई एक यूजलेस चीज दिखती है, और जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकता है तभी वहां पर कोई आ जाता है। लेकिन उसी वक्त सीन चेंज हो जाता है और हम एक स्कूल ऑफिस को देखते हैं जिनमें बैठे हुए टीचर्स और प्रिंसिपल बजट को लेकर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सारे टीचर्स वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एक टीचर ऑल्सन स्कूल में होने वाले प्ले को लेकर कुछ बातें करने लगती है। तभी प्रिंसिपल ड्रैक को याद आता है कि वो चाबियां अंदर ही भूल आई हैं और वो उन्हें वापस लाने के लिए अंदर जाती हैं। जब वे चाबियां उठाकर वापस जाने लगती हैं तब वहां पर कोच विलिस आ जाता है, जो उसका रास्ता रोक बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि मुझे एक पेंसिल दो। उसके कहने पर ड्रैक उसे पेंसिल दे देती है, और तभी वह उस पेंसिल को ड्रैक की हथेली में घुसा देता है। लेकिन ड्रैक अपनी चाबियों के गुच्छे को उसके मुंह पर मारकर वहां से भागने लगती है। मेन डोर पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि विलिस तो उससे पहले ही बंद कर चुका है। तभी उसे टीचर ऑल्सन बाहर की ओर दिखती है और वो उससे हेल्प मांगती है, मगर ऑल्सन बताती है कि इसके लिए तुम्हें पहले चाबियां लानी होगी। और ड्रैक दौड़कर चाबी ले आती है और उस ताले को खोल रही थी कि पीछे विलिस आ जाता है, लेकिन वह दरवाजे तक पहुंचता उससे पहले ही वो बाहर निकलकर उसे अंदर बंद कर देती है। लेकिन पता नहीं ऑल्सन को अचानक क्या होता है और वो एक कैंची से ड्रैक को मार देती है। अगले दिन हमें एक केसी नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो एक डेलाइला नाम की लड़की की ओर देख रहा है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। लेकिन केसी हर चीज में लूजर होता है, इसलिए उसे वो जानते तक नहीं। डेलाइला का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम स्टैन है। वही हमें स्टॉकली को दिखाया जाता है, जो ज्यादा किसी से बातें नहीं करती है क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स के अनुसार वो एक लेस्बियन है। अब हमें मैरी बेथ को दिखाया जाता है, जो इस सिटी और स्कूल में एक नए स्टूडेंट है। आखिर में हम जेके को देखते हैं, जो हर बार अपनी पैन में ड्रग्स बेचने के लिए फेल होता रहता है, हालांकि वो एक होनर स्टूडेंट होता है। अब कहानी फिर से स्कूल ऑफिस में आ जाती है, जहां के स्टाफ रूम में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कोच विलिस हद से ज्यादा बार बार पानी पी रहा है। तभी वहां पर ऑल्सन आकर उसकी और मुस्कुराती है, यानी इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब हम केसी को देखते हैं, जिसे ग्राउंड में एक अजीब कीड़ा मिलता है और वो उसे अपने लैब टीचर के पास ले जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से इनएक्टिव होता है। तभी गलती से एक स्टूडेंट उस पर पानी गिरा देता है और अचानक वो जीव जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर साइंस टीचर उसे पानी में डाल देता है और वो कीड़ा वहाँ पर तैरने लगता है। जिसे देखकर टीचर उसे छूता है, लेकिन उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और वो दोनों भी तैरने लगते हैं। जब टीचर फिर से उसे टच करता है तो वो उसकी अंगुली को काट देता है, इसलिए टीचर अब उस पर रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी भेजने का डिसीजन लेता है। अब हम स्टैन को देखते हैं, जो कि शॉवर ले रहा है, मगर तभी वहाँ पर उसकी स्कूल टीचर आ जाती हैं, जो कि पूरी तरह से पागल सी लग रही हैं। वो उसे बताते हैं कि हम लोगों पर एक खतरा आने वाला है। स्टैन सोचता है कि उसकी मेंटली कंडीशन सही नहीं है, इसलिए वह उसे शांत करने के लिए अपने गले लगाता है। लेकिन तभी उसके बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और वो हैरान हो जाता है और अब उस टीचर की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हम स्टैन और केसी को देखते हैं, जो ऑल्सन को उस टीचर के बारे में बताते हैं। तब वो कहते हैं कि उससे तो कैंसर था, इसलिए हो सकता है वो उसी वजह से मर गई हो। तभी कैसी नोटिस करता है कि विलिस काफी देर से लगातार ग्राउंड में खड़ा पानी में भीग रहा है। जब कैसी ऑफिस में जाता है तो उसे वहाँ पर डेलाला मिलती है। वे दोनों बातें करते हैं क्योंकि उन दोनों को लगता है कि स्कूल में कुछ तो अजीब जरूर चल रहा है। तभी कैसी देखता है कि ऑफिस में कोई आ रहा है, जिसे देखकर वे दोनों वहाँ के दराज के पीछे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कोच विलिस और ऑल्सन आते हैं, जो दोनों खूब सारा पानी पीते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल नर्स हार्पर आ जाती है। विलिस उसे पकड़ लेता है और वो अपने मुंह से वैसे ही कीड़े निकालता है जो कि हमने लैब में देखा था। वो उसके कान में उसे छोड़ देता है। ये सब देखकर डेलाला बहुत डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। चीख को सुनकर वो कोच वहाँ आकर उस दराज को खोलता है, लेकिन किसी तरह वो दोनों उससे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। दौड़ते वक्त उन्हें प्रिंसिपल मिलती है, जो भी उनकी तरह बन गई है, लेकिन वो दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इन सब अजीब घटनाओं की वजह से केसी स्कूल में पुलिस बुलाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लगता है। तभी प्रिंसिपल उस पुलिस वाले को एक रूम में ले जाती है, और जब वह बाहर आता है तो केसी देखता है कि वह कुछ अजीब सा लग रहा है। इसका मतलब ये पुलिस ऑफिसर भी एलियन कीड़े के संपर्क में आ चुका है, जो उसे कंट्रोल कर रहा है। उस वक्त प्रिंसिपल केसी की माँ को भी उस रूम में बुलाती है, मगर वह अपनी माँ को बताता है कि मेरी तबीयत अभी खराब हो रही है, हमें जल्दी से घर चलना चाहिए, जिससे वैसे भी घर आ जाते हैं। मगर घर आने पर उसके मॉम और डैड उसे डांटते हैं क्योंकि उसने झूठ बोलकर पुलिस और प्रिंसिपल के सामने उनकी इज्जत खराब कर दी थी। अब उसके डैड उसके सभी इंटरनेट गैजेट और मोबाइल छीन लेते हैं और उसे रूम में लॉक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक ड्रग एडिक्ट बन चुका है। अब केसी डेलाइला से बात करना चाहते हैं क्योंकि उसने भी वो सब देखा था, जिसकी वजह से वो परेशान है। वो उससे मिलने के लिए खिड़की से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके स्कूल के वो टीचर बाहर ही खड़े हैं, जिसकी वजह से वो डरकर नीचे गिर जाता है। तब वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, बस उसके सामने उसके डैड खड़े हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके डैड उसे स्कूल ड्रॉप करने आते हैं, क्योंकि वो खुद स्कूल नहीं आना चाहता, मगर उसके डैड की वजह से वो आता है और अंदर जाकर डेलाइला से मिलकर उसी टॉपिक पर बात करता है। जहां पर हम स्टाफ रूम में बैठे हुए सभी टीचर्स को देखते हैं, जो सभी केवल पानी ही पी रहे हैं, और वो भी ढेर सारा पानी, क्योंकि जो कीड़ा उनके अंदर है उसे केवल पानी से ही एनर्जी मिलती है।
अब चेकअप का बहाना कर टीचर सभी बच्चों को एक एक करके एक रूम में बुलाते हैं और वहाँ पर नर्स हार्पर्स उन सभी में वो एलियन कीड़ा डाल रही हैं, ताकि ऐसे करके वो कीड़ा पूरे शहर से लेकर इस दुनिया में फैल जाए। नेक्स्ट सीन में हम जेके को देखते हैं जिसके पास उसके कस्टमर आते हैं और आज वो पूरी की पूरी ड्रग्स एक साथ ले लेते हैं। तभी जेके की क्लास टीचर आ जाती है और वह उसे गालियां देने लगती है, जो कि उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि वह एक बहुत बढ़िया टीचर्स होती हैं। मगर उसके इस व्यवहार को देखकर लग रहा है कि उसे भी एलियन कीड़े ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। दूसरी ओर हम केसी को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ स्टॉकली से इन अजीब इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहा है और वो दोनों इन घटना को साइंस फिक्शन की मूवीज और किताबों से रिलेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई एलियन प्रजाति हम सभी पर कंट्रोल करना चाहती है। अब वो दोनों स्टैन और डेलिला के साथ उसी साइंस लैब में जाते हैं जहां पर वो कीड़ा पहली बार एक्टिव हुआ था, लेकिन उन्हें इस बार वहां पर वो कीड़ा नहीं मिलता है। वैसे भी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जेके और मैरी आ जाते हैं और वो उनकी बातों पे हंसने लगता है और उसी दौरान वो लैब टीचर वहाँ पर आता है जिसे देखकर वो सभी उसे कीड़े के बारे में पूछते हैं, मगर वो टीचर उन्हें कोई जवाब नहीं देता है और जेके को ये सब बकवास लगता है इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टीचर उसे रोक लेता है और उन सभी को मारने की कोशिश करता है। उस समय एक तलवार से जेके टीचर की उंगलियां काट देता है, लेकिन कटी हुई उंगलियां किसी कीड़े की तरह जमीन पर चलने लगती हैं और उसके हाथ से धागे निकलने लगते हैं। जब वो टीचर जेके को मारने की कोशिश करता है उसी वक्त जेके अपना ड्रग से भरा हुआ पेन उसकी आंख में घुसा देता है, जिससे देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अब सभी लोग वहां से निकलकर जेके के घर आ जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि जेके ने ड्रग्स बनाने के लिए अपना खुद का सेटअप तैयार किया हुआ है, जहां पर वो उस एलियन कीड़े को एक चूहे के पास फेंककर उस पर पानी डालता है, जिससे वो कीड़ा चूहे की बॉडी में घुसकर उस पर कंट्रोल कर लेता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि इस कीड़े को सिर्फ ड्रग्स से ही मारा जा सकता है। अब जेके को लगता है कि हो सकता है कि हम में से भी कोई उस कीड़े का शिकार हो, इसलिए अब उन सबको एक ड्रग टेस्ट से गुजरना होगा। केसी और स्टैन ड्रग लेने के बाद पागलों की तरह हंसने लगते हैं। सभी लोग ड्रग ले लेते हैं, लेकिन डेलिला उस ड्रग को नहीं लेती है और वो अपना असली रूप दिखाकर वहां से भाग जाती है। अब केसी बताता है कि अगर हमने क्वीन एलियन को मार दिया तो ये सभी लोग नॉर्मल हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि शायद प्रिंसिपल ही क्वीन एलियन होंगी क्योंकि वो स्कूल की हेड है, इसलिए हो सकता है कि उन एलियंस ने उसे भी अपना हेड बनाया हो। अब सभी लोग तैयारी के साथ स्कूल पहुंच जाते हैं जहां पर वो प्रिंसिपल को ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं। जब वो ड्रग्स नहीं लेती है तो जेके उसे गोली मार देता है। वैसे भी सोचते हैं कि शायद हमने गलत इंसान को मार दिया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल खड़ी हो जाती है और अपना असली चेहरा सामने लाती है। तभी वो उस पर ढेर सारा ड्रग डाल देते हैं जिससे वो मर जाती है। वो सभी सोचते हैं कि ये ही वो क्वीन एलियन थी, इसलिए अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोच और सारे प्लेयर्स बारिश में भीगकर एनर्जी ले रहे हैं। स्टैन उन्हें देखकर बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने जाता है, मगर अंदर आने से पहले वैसे भी उसे ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ड्रग्स को नीचे गिरा देता है। इसका मतलब अब वो भी एलियन के कंट्रोल में है। अब वो सभी टेंशन में होते हैं क्योंकि उनके पास ड्रग्स नहीं है, लेकिन तभी जेके बताता है कि मेरी कार में ड्रग्स मिल सकता है, इसलिए केसी और जेके उसे लाने के लिए कार की ओर जाते हैं। लेकिन तभी कोच और उसकी टीम उन दोनों पर अटैक कर देती है। केसी एक बस में छिप जाता है, लेकिन वहाँ पर डेलिला होती है और वो भी एलियन कीड़े का शिकार है और उससे डरकर केसी वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर जेके को अपनी कार में ड्रग्स नहीं मिलती है, लेकिन जब वो कार में बैठता है तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी वही क्लास टीचर अटैक कर देती है, जिससे डरकर जेके की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि उस टीचर का कटा हुआ सर अपने आप चलकर फिर से जुड़ जाता है। ये सब देखकर जेके वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि मैरी बेथ ही असली क्वीन है जो उस समय ड्रग्स सूंघने का नाटक कर बच गई थी। मैरी बेथ तब अपने असली रूप में आकर केसी और स्टॉकली पर हमला कर देती है और स्टॉकली को पूल में खींच लेती है, लेकिन किसी तरह वह दोनों वहां से बचकर लॉकर रूम में चले जाते हैं। अब मैरी बेथ ह्यूमन फॉर्म में आकर उन दोनों को फिर से ढूंढने लगती है। तब यहां पर जेके आ जाता है। स्टॉकली उसे मैरी के पास जाने से मना करती है, मगर स्टॉकली भी अब पूल में घिरने की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जेके उन दोनों के बीच फंस जाता है, तभी उसे बचाने के लिए केसी वहां पर आता है, लेकिन तब तक क्वीन एलियन जेके को बेहोश कर देती है और वो केसी के पीछे पड़ जाती है। लेकिन किसी तरह चालाकी से केसी उसे गेट के अंदर फंसा कर उसकी आंख में ड्रग से भरा पेन घुसा देता है, जिससे वह वहीं पर मर जाती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है। केसी सबके लिए एक हीरो बनकर सामने आता है और डेलिला भी उससे प्यार करने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें।